देखिए किस तरीके से बिग प्लेयर मार्केट के ऊपर मैनिपुलेट करता है, रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट के ऊपर खेलता है। ये वेडनेसडे को मार्केट फॉल हुआ, थर्सडे को मार्केट फॉल हुआ, फ्राइडे को बहुत बड़ा गैप डाउन, उसके बाद फिर फॉल हुआ, तब तक किसी को पता नहीं है कि फॉल क्यों हो रहा है। सैटरडे संडे को न्यूज आता है कि अमेरिकन बैंक कोलैप्स कर गया है, अमेरिका के अंदर में 2008 से भी बड़ा रिसेशन आने का चांसेस है। मंडे मॉर्निंग से मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर माइंड में ये बैठा के रखा था कि आज तो मार्केट खुलते ही बहुत बड़ा फॉल हो जाएगा मार्केट के अंदर में, इसीलिए मैक्सिमम ट्रेडर आज मार्केट खुला, मार्केट खुलने के बाद जैसे ही रेड कैंडल देखना शुरू हुआ सेल कर दिया, जिसके बाद बिग प्लेयर ने उनको मैनिपुलेट किया और मार्केट को अपोजिट डायरेक्शन में सारे सेलर को बायर में कन्वर्ट कर दिया। और जैसे ही बायर एंट्री लेता है, ब्रेकआउट होता है प्रीवियस डे हाई का, और उसके बाद उन्होंने अपना अपर लेवल से अपना खेल चालू किया, और चालू करने के बाद मार्केट में ब्रेकआउट को फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट करा के मार्केट को कोलैप्स करवा दिया। इसीलिए कभी भी रिटेल ट्रेडर, नॉर्मल रिटेल ट्रेडर जिस तरीके से सोचता है, उसका सोच के साथ बड़े प्लेयर कभी भी एक साथ नहीं आते हैं, हमेशा उसका ऑपोजिट में रहेंगे। कभी भी रिटेल ट्रेडर का मेंटेलिटी के साथ ट्रेड मत करिए, न्यूज़ बेस्ड ट्रेड मत करिए, ट्रेडिंग जो है चार्ट के ऊपर करिए। ये ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट है, इसको इजीली आप समझ सकते थे, लेकिन अगर आप नॉर्मल रिटेल ट्रेडर के जैसा सोच के मार्केट में आके ट्रेड करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं हो सकता है, क्योंकि बिग प्लेयर हमेशा रिटेल ट्रेडर के ऑपोजिट में, ऑपोजिट माइंडसेट के लेके ट्रेड करते हैं।